हाँ जी, क्या हालचाल। छोले भटूरे का नाम तो आप सबने सुना होगा और उसे सुनते ही आपके मुंह में भूख की लार टपकने लग जाती होगी। बट क्या कभी आपने पेपर छोले भटूरे का नाम सुना है? नहीं ना। तो चलिए आज आपको दिखाया जाए आगरा के फेमस बेनी राम जी के पेपर छोले भटूरे। जी आपने सही सुना, ये 60 साल पुरानी दुकान है और भैया जी चौथी पीढ़ी है जो की ये बेच रहे हैं। सुबह 9 बजे दुकान खुल जाती है, शाम के 6 बजे तक ये पेपर छोले भटूरे बेचते हैं। और ना ही इनके भटूरे अलग हैं, इनके छोले भी अलग हैं। तो आप देख सकते हो पूरा छोले का कंटेनर बन चुका है और अब ये एक एक करके ना कटोरियां लगाते हैं और उसमें पूरे छोले आपके सामने बनाते हैं। तो आप देख सकते हो पहले छोले डाल दिए हैं, एक एक करके सारी कटोरियां यहाँ लगती है और भीड़ आती रहती है, खाती रहती है और जाती रहती है। तो ये एक एक करके पूरी सारी कटोरियां आपके सामने लगेंगी। अब इसके ऊपर ये डालते हैं मसाला। जी हाँ, गरम मसाला डालते हैं और उसके ऊपर से आता है प्याज। जी हाँ, प्याज आता है पूरा। तो काफी अलग तरीके के छोले हैं और अभी तो आप देखना क्या क्या आएगा इसके ऊपर। प्याज आ गया, उसके बाद आ गए हैं ये धनिया। जी हाँ, ऊपर से धनिया डाल दिया है और पूरा क्या मस्त कलरफुल कटोरी हो गई है। उसके बाद आ गया नींबू। जी हाँ, नींबू आ चुका है छोले के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पहली बार देखा मखाने डल रहे हैं ऊपर। जी हाँ, आप देख सकते हो ये जो डाल रहे हैं भैया, ये मखाने हैं। तो छोले के अंदर मखाने, ये सबसे पहली बार मैंने देखा, वो भी आगरा में। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपने ऐसे छोले देखे या नहीं देखे, और अगर आप आगरा वाले हो तो आपने क्या बेनी राम जी के छोले भटूरे खाए हैं या नहीं खाए, जल्दी से कमेंट करके बता दो। बाकी अब आप देख सकते हो ये है इनके भटूरे यहाँ पर, जिसे बोला जाता है। ये पतली पतली रोटियां होती है सूजी मैदा आटा मिक्स की, जिसे सेक कर दिया जाता है मूली और मिर्ची के साथ। तो काफी ज्यादा अलग हैं ये, इन्हें ये यहाँ पर छोले भटूरे कहते हैं। तो हमने भी अपनी ना एक प्लेट छोले भटूरे की लगवाई और बेनी राम जी ने हमारे को बताया कि हम ना पनीर वाले छोले भटूरे भी बेचते हैं। तो मैंने कहा चलो जी पनीर वाले लगवाते हैं। तो आप देख सकते हो छोले की प्लेट तो हमारी लग चुकी है, अब इसके बाद लग रहे हैं हमारे स्पेशल पनीर प्याज वाले भटूरे। जी हाँ, तो पहले ये अमूल बटर डाला जाता है इस वाले भटूरे को सेकने के लिए। और ये जो भटूरे आप देख रहे हो ना, ये दो रोटी के बीच में ना पनीर और प्याज की स्टफिंग है, जो मैं आपको अभी एंड में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये है इनके स्पेशल वाले भटूरे। तो इसकी कॉस्ट होती है 50 रुपए और जो आपने स्टार्टिंग में देखा ना वीडियो में, उसकी कॉस्ट होती है 35 रुपए की प्लेट। ठीक है, तो ये दो पीस मिलते हैं दोनों में ही। बाकी जब तक भैया ये पूरे सेक रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप छोले भटूरे लवर हो या नहीं, और ऐसे छोले भटूरे क्या आप खाना चाहोगे या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज दो, आगरा वालों को टैग कर दो जल्दी से। ठीक है, बाकी अब ये पूरे तैयार हो चुके हैं, इसे कट करके भैया जी पेपर में सारे पीसेस को लगाते हैं। और आप देख सकते हो अंदर से आपको दिख रहा होगा पनीर और प्याज की स्टफिंग, इसे भी साथ में दिया जाता है मूली और मिर्ची के अचार के साथ। अब हम चलते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन भटूरों का। पनीर वाले खा के देखते हैं। स्पाइसी बहुत ज्यादा है, पर घुल रहे हैं, लिटरली अच्छा है।